सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर जिलाध्यक्ष राम सकल यादव व जिला महासचिव मुजीब अहमद सोनू के निर्देश पर समाजवादी पार्टी टांडा विधानसभा द्वारा विधानसभा अध्यक्ष संदीप यादव के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली टांडा विधानसभा से होते हुए टांडा तहसील परिसर तक पहुंचकर भाजपा सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी बिल के बारे में बताया। वही ट्रैक्टर रैली निकाले जाने पर समाजवादी पार्टी के जिला सचिव मुजीब अहमद सोनू को समर्थकों के साथ भारी पुलिस बल ने रोक लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। साबित क्या हो रहा है, हम समाजवादी लोग परसों से ही पुलिस हम लोगों को इतना टॉर्चर कर रही है समाजवादियों को, कि समाजवादियों के साथ साथ जो किसान भाई हैं उनको भी उनके घरों पर नोटिस देना। क्या कौन से लोकतंत्र में है कि जो है आप अपना ट्रैक्टर लेकर नहीं निकल सकते, आप अपने घर से नहीं निकल सकते। आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस हम लोगों के देखिए सामने खड़े हुए हैं। दर्जनों पुलिस के लोग आकर के हमारे इस काफिले को रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पुलिस से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपनी मांगों को लेकर किसान भाइयों के समर्थन में हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में किसान ट्रैक्टर यात्रा का जो आरंभ होना था उसको कल रात से ही हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को और किसानों के ट्रैक्टरों को पुलिस नोटिस दे करके और उनको नजरबंद करके कुछ थानों में हमारे नेता और कार्यकर्ता को बंद कर दिया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज हम जब निकले हैं तो हमको भी पुलिस रोकने का काम कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। और ये लड़ाई जनहित की किसी भी लड़ाई में हम लोग पीछे रहने वाले लोग नहीं हैं और इनसे लड़ने का काम करेंगे। और यही नारे के साथ मैं कहता हूं, जब योगी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं, योगी जी से हम समाजवादी